तो ये अभी मैं बना रही हूँ सॉल्यूशन अपने सैंपल प्रेपरेशन के लिए। मम्मा ने अभी यहाँ पे इसको बिठा दिया। एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो ये पीछे सिलेंडर्स जो हैं वो सब गैस सिलेंडर्स हैं। सच अ गुड बॉय। तो ये ऑर्किड और ये कार्ड जो मैंने लिया था, जाके मैं मैम को दे आती हूँ एक बार। मफा, अगर ये टूटा ना तो फिर देखना। शादी से पहले लाइफ स्मूथ थी या शादी के बाद स्मूथ है? आज क्यों रहे हो? आपको आंसर पता है क्या? आज मर्फी मेरे साथ मेरे ऑफिस जा रहा है, वो पीछे सोया हुआ है कुकड़ू कहीं का। इसलिए आज हिमांशु को काफ़ी लेट हो जाएगा अपने ऑफिस में, तो इसलिए मैं मर्फी को अपने ऑफिस लेके जा रही हूँ। क्योंकि मर्फी को हम 5 घंटे तक तो छोड़ लेते हैं अकेले, बट अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर हम ट्राई करते हैं कि हम उसको साथ ही लेके आएँ। तो आज मैं मर्फी को लेके जा रही हूँ, मेरे ऑफिस में रहेगा मर्फी। अभी मैं जा रही हूँ कुछ फ्लावर्स खरीदने। एक्चुअली हमारी जो डिपार्टमेंट की हेड है उनके मदर की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम हम न्यूयॉर्क में थे जब ऐसा हुआ था, तो मैं उनके फ्यूनरल में जा नहीं पाई थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस में मैं उनको मिल लूँगी और एक फ्लावर्स ले जाती हूँ उनके लिए। ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है कलर वाइज, बट आई एम नॉट श्योर कि ये इंडोर सर्वाइव कर जाएगा ज़्यादा देर या नहीं। ये वाला ऑर्किड बहुत सुंदर है ना, तो मैं ये ले लेती हूँ। मैं ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रही हूँ और जो मेरे कोवर्कर हैं आज साथ में आए हुए, वो इतना ज़्यादा मुझे सुस्ती डाल रहे हैं ना। तो ये मेरे कोवर्कर आज के अभी सो गए थे, अभी अभी उठे हैं। कब उठे हो? चलो दूसरी लैब में चले हैं अभी हम। नो, लैब में जाके सोते हैं अभी, है ना। अभी मैं ऑफिस में बैठी थी मर्फी को लेके, तो अभी लैब में काम है, तो अभी इसको लैब लेके। ये देखो, ये देखो, ये सब कर रहा है। मतलब मैं कैसे काम करूँ, इतना यॉन कर रहा है मेरे सामने बैठ के, तो नींद आएगी ना। और देखो बैठा कहाँ है, मेरे टेबल पे। यहाँ पे मैं आज इसका बेड लेके आई थी नीचे, पर नहीं, इसको यही छूना है। ये मेरा बॉस जो है। कंप्यूटर ऑन कर लो। बात नहीं करनी? नहीं करनी बात? हाँ नहीं करूँगा, भाग गई यहाँ से। आइए मेरे को अपने बोरिंग से ऑफिस में लेके। आई एम नॉट सपोज टू डू एनी वर्क एंड अर्न मनी, दैट्स योर जॉब, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओफा, ये लो पेन, चलो काम करो। ये लो पेन। मैंने आपको मेंशन किया था ना जब हम आ रहे थे कि मेरे को मेरी हेड के साथ मिलना है, तो आई जस्ट गॉट हर ईमेल कि वो अभी ऑफिस में आ गई हैं और 1:30 तक हैं यहाँ पे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके पास हुआ दूँ। तो ये ऑर्किड और ये कार्ड जो मैंने लिया था, तो जाके मैं मैम को दे आती हूँ एक बार। मफा, अगर ये टूटा ना तो फिर देखना। ये जो तू दांत दिखाता है ना अपनी क्यूटू क्यूटू से, है मुचू मुचू से चुंगू मेरी। तो अभी मैं मिल के आई हूँ जो हमारे हेड हैं। तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई यार, पेरेंट्स कितने भी एज के हों, बहुत मुश्किल है उनको खोना ना। मतलब जो हमारे हेड हैं वो मेरे पेरेंट्स की एज के होंगे, लेकिन स्टिल उनको, मतलब अभी तक वो उस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी मदर नहीं है उनके साथ अभी। वो ये मुझे बता रहे थे कि वेरी हार्ड टू लिव नाउ विदाउट हर, ग्रोइंग अप इज़ सो हार्ड, आई मीन लूजिंग योर ओन पीपल वेरी हार्ड। अभी आई हूँ मैं अपनी लैब में काम करने के लिए। मुझे सैम्पल प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अपना SEM के लिए। और मेरा छोटा सा क्यूट सा बेबी देखो लैब में क्या कर रहा है। ये देखो मेरा बेबी। मम्मा ने अभी यहाँ पे इसको बिठा दिया। एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो ये पीछे सिलेंडर्स जो हैं वो सब गैस सिलेंडर्स हैं, और यहाँ पे इस तरफ देखोगे तो मतलब केमिकल्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लीश लगा दिया है ना गुगली। अभी मम्मा स्टार्ट करेगी काम, ओके। आप यहाँ पे छुई छुई करना, मम्मा भी यहाँ पे काम करेगी, ओके। पर यहीं पे है मम्मा, कहीं जा नहीं रही है, ठीक है मफा। गुड बॉय को ना मम्मा का, यू आर सच अ गुड बॉय। तो ये अभी मैं बना रही हूँ सॉल्यूशन अपने सैंपल प्रेपरेशन के लिए। तो ये मैं लेबल कर दे रही हूँ अपने केमिकल को, जो भी मैंने बनाया है, कितना परसेंट बनाया और किस डेट पे बनाया है। तो ये है मेरे सैंपल्स, ऑलरेडी मैंने इथेनॉल में प्रिजर्व करके रखे हुए थे। और ये हैं लिविंग सैंपल्स, तो इनके ऊपर हम अलग से स्टडी कर रहे हैं कि ये कितने दिन तक सर्वाइव करते हैं
एक्चुअली ये ओवर विंटरिंग करते हैं, ये पेस्ट है, हाउस होल्ड पेस्ट है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो बताना आप लोगों ने कभी ऐसा बग देखा है अपने घर में या घर के आसपास? Let me show you one thing. आप ये देख पा रहे हो माइक्रोस्कोप के नीचे इंसेक्ट एंटीने। करेंटली मैं इंसेक्ट एंटीने पे काम कर रही हूँ। तो हम ऐसे हम करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंसरी पैचेस प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू ये लोग सेंस करते हैं। मैं जब से काम कर रही हूँ, मैंने मर्फी को जहाँ बिठाया ना, वहीं बैठा हुआ है। ये सब चीज़ें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब ही बिहेव्स लाइक अ गुड बॉय लिटरली। मतलब इसीलिए मैं इसको ले भी आती हूँ कभी कभी, जब भी मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। वो देखो, मेरी गुगली बैठी हुई है, मोमो को काम करते हुए देख रही है। चलो अभी खाना खा के आते हैं ना मोफा। भूख लगी? उठो उठो, चलो चलो आ जाओ मेरा बेटा, चलो चलो। सच अ गुड बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। मुझे मोफा जैसा बेबी चाहिए था जो इतना समझदार है, इतना नूना बच्चा। चले भूख लगा? अरे मेरा बेबू, भूख लगा मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, चलो खाना खाते हैं, आ जाओ। मैं मर्फी को थोड़ा सा वॉक करवा देती हूँ बाहर का। चला तब से अंदर बैठा हुआ था मेरे साथ। मोफा स्लो डाउन, लग रहा है मांस आ गया इसलिए मेरे को खींच रहा है। देख रहे हो इसका ना, ढूंढ रहा है कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अभी नहीं, शाम को आएंगे बेटा, शाम को। देख रहे हो उस तरफ गाड़ियां लगी है ना, इसको पता है कि जब भी मांगशो आता है तो यहाँ पे आके हमें पिक करते हैं। तो देख रहा है वहाँ पे गाड़ियों वाली साइड। अभी नहीं बेटा, शाम को आएंगे, अभी आप चलो अंदर। ये है मर्फी का खाना और ये है मम्मी का खाना। अरे ये क्या है, क्या है मम्मा, ये क्या है? चलो ये मफा खाएगा अभी खाना। देखो मफा कितना गुड बॉय है, अभी लंच ब्रेक में खाना भी खा रहा है और फिर से मम्मा काम करेगी और मफा सोई करेगा। लंच करके फिर मेरे को अपने सैंपल्स की फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। आई होप हिमांशु का भी काम चल रहा हो और जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे स्टार्ट करना है नेक्स्ट काम, पर मफा सो रहा है। मैं उसको अगर छोड़ के जाऊँगी तो भी ये चिल्लाएगा और उठाने का मेरा मन नहीं कर रहा। ये देखो ऐसे सो रहा है, पता नहीं क्या बोलूं बेचारे को। मफा, मम्मा को दूसरी लैब में काम है, आप जाओगे साथ में? ओए मेरा बच्चा, I'm sorry। आपको यहाँ रहना तो आप यहाँ रहो, ऑफिस में रहना तो ऑफिस में रहो। मैं नीचे बिठा जाती हूँ आपको, टेबल पे नहीं छोड़ के जाती, नीचे छोड़ जाती हूँ। आप सोई सोई कर लेना, अब यहाँ बैठना ठीक है? आ रही है मम्मा, ओके। मुश्किल है, मुझे डाउट है टिकेगा तो ले जाऊँगी। चलो आ रही मम्मा, चलो चलो फिर चलो चलो हो जाओ रेडी, जाना है उसको मेरे साथ। कम ऑन कम 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 कम, गुड बॉय। अभी मर्फा गुड बॉय की तरह यहाँ पे वेट करेगा है ना। ये देखो मेरा नन्ना बच्चा हो गया, ऑलमोस्ट डन। अभी पापा का वेट करेंगे हम। पापा आए? पापा आए? अरे मेरा बच्चा, आएंगे अभी, आने वाले हैं थोड़ी देर में, होप सो। अभी मामा ग्लव्स खोल के आएगी, ओके? अब वहाँ जाओ, चलो अपने बेड पे, चलो सबको बता दो आप कितना अच्छे बॉय हो। चलो अपने बेड पे, चलो चलो यहाँ अंदर अपने बेड पे। गुड बॉय, यू आर सच अ गुड बॉय। अभी मर्फी को लेके मैं फिर से ऑफिस जाती हूँ लैब से। मर्फी आया ऑफिस में और आते ही सो गया बेचारा। आई मीन घर पे छोड़ सकती थी, बट फिर वही होता है मुझे कि अभी जैसे मैं उसको बीच में घुमाने लेके गई थी, अभी फिर से वॉक पे ले जाऊँगी थोड़ी देर में, अगर हिमांशु ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो। फिर घर पे वही होता है कि यार कौन देखेगा इतने देर तक, तो इसलिए मैं उसको जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं ऑफिस ले आती हूँ उसको साथ में। मुझे गुस्से में देख रहा है टिंगी, क्यों मेरी जान। अभी मुझे हिमांशु का कॉल आया था कि मैं आ रहा हूँ, अभी मैं इसको टुंगनू को बताती हूँ। मरफा हिमांशु आ रहा है। I'm sorry. मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था। मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मर्फा is ready for his walk. बाहर अभी अंधेरा हो गया, कोई भी गाड़ी बगल से निकल दिया ना
बर्फी को लगता है हिमांशु है, गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है। कोई भी गाड़ी जाती है ना, इसको लग रहा है कि ये हिमांशु चला गया और हमें यही छोड़ गया, हमें लेके नहीं गया, गाड़ी के पीछे की तरफ जाता है फिर। आई थिंक वो है हिमांशु। बर्फा आ जा, हिमांशु आया। बर्फा आराम से बेटा, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। क्या होता है ये देखो, शूज भी खोल लिया, ढक्कन कहेंगे, रुक जा, वेट, जा मिल ले। हिमांशु अपने मर्फी से पूछो उसका दिन कैसा रहा। नहीं पूछा मैंने अभी तक। माफा पूछो, माफा दिन कैसा रहा तुम्हारा आज? नाक पानी पानी सा क्यों है तुम्हारा? ठंड लगी तुम्हें? हाँ, मम्मी ने बाहर सुलाया हुआ था लैब के। अच्छा, लैब के बाहर कर दिया तुम्हें? बाहर कान पकड़ के खड़ा रहते लैब के बाहर? काश आपको भी करता हूँ। तुमने क्या किया? इंतजार, इंतजार। नहीं इंतजार नहीं, क्यों कुछ तो कर रहा था। तुमने खेलू खेलू कर अपने टॉय के साथ? ना, सोया सोया। उसको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको मार पड़ रहा है तो आपकी 911 करप्ट हो चुकी है। घर आके मैं बना रही हूँ डिनर, और डिनर में बन रहा है पनीर। मर्फी का फेवरेट, हिमांशु का भी फेवरेट, मेरा इतना नहीं क्योंकि मुझे बहुत मेहनत मारना पड़ती है। ऐसे मम्मी बनाए तो फेवरेट। मर्फी को बहुत पसंद है पनीर जब मैं घर पे बनाते हैं ना, इसलिए मैं हफ्ते में एक बार पनीर बनाती हूँ घर पे। और ये मतलब पनीर तो बना ही रही हूँ लेकिन कच्चा पनीर भी खुद ही बनाती हूँ दूध से। वाह, पनीर खानी? मेरे गोले, मेरे मोले, क्या चल रहा है? हम खेलू खेलू कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं ना मफा। मफा चले। अरे बाबा, अरे बाबा, फिर से करना, बिना ट्रीट के फिर से करना। इसको बोलते बिना ट्रीट के कैसे सिखाए? शट अप। यो यस, गुड बॉय। देखो अब पता चलेगा गुड बॉय है या बैड बॉय। अब मानूंगी, अब करो, सिट करवाओ इसको, सिट करवाओ। मुझे देखेगा हार्ट अटैक दे देगा आज, लग रहा है। 911 कॉल करके रखो आप पहले। सीधे बैठो ना, घूमो घूमो, घूम जा। हाँ घूम गया, देख इसको पता है घूमने का मतलब क्या। क्या हुआ? क्या हुआ? करना बाहर देखता हूँ, फिर करना। इंडिया जाएगा? इंडिया में कहाँ जाना तुझे? आप दोनों यहाँ पे रहो, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय। क्या? हाय राम, कितने गंदे हो आप। आपको पता है जो आपने डायरेक्ट बोलना होता है ना, आप उसके थ्रू बोलते हो। मैं उसका रिएक्शन पर नहीं, उसने जा नहीं बोला, उसने तो ये भी बोला होगा रुको, हो सकता है ये बोला रुको। हाँ, रुको अच्छे से बोला, रुको ऐसा बोला। ना, ना, लोग जब बोलते हैं चलो, तब बोलते चलो। ये तो आप बोलना चाहते हो ना? नहीं, आपको बड़ा मजा आया। हिम्मत हिम्मत तो आपने बड़ी हिम्मत है। हिम्मत आपने मेरे साथ शादी करने की कर ली है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तूफान को खुद गले लगाया गया है। शादी से पहले और शादी की बाद की लाइफ में आपको कोई चेंज फील होता है? बहुत ज्यादा चेंज फील होता है। क्या? वो इतना चेंज है कि मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। शादी से पहले लाइफ स्मूथ थी या शादी के बाद स्मूथ? आज क्यों रहे हो, आपको आंसर पता है क्या? डरो मत बालक। मुझे खाना खाना है। खाना तुम्हें मिलेगा, खाना तुम्हें मिलेगा। अभी वो मैं तुम्हें ऐसे दूंगी या वो मैं तुम्हें ऐसे दूंगी या मीठा सोडा डाल के खाने में, वो बात की बात है। अभी ऐसे ऐसे अयो ला 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 ला। क्यों क्यों? अरे बहुत कुछ इवेंट हो रहे हैं लाइफ में। इवेंट इवेंट्स टिकट रखी हुई है हमने इन इवेंट्स की? सब टिकट काट के रखा है। सबके टिकट ऑलरेडी बुक्ड है, मिले बुक्ड है। तुम जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, ये लो। कैसे चल रही लाइफ, फिर से करना एक बार। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज
डू नॉट फॉरगेट टू ओके 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 सो दिस वॉज डिकोड करो लोगों को बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मर्फी का तीन बार कर कर का मतलब है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लास्ट में बोल दो लव यू लव यू ये बटन वाली आंखें कम घुमाया कर मटको माई